हेलो वीर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये रमजान शरीफ में माशाल्लाह काम आएगी, कचौरियों के, दही बड़ों के, समोसों के, पकोड़ों पे, जिस जिस पे दिल करे। तो ये बहुत हजमे वाली होती है इमली, अच्छी होती है। ये इमली मैंने ले ली 1 पाव, उसको मैंने वॉश कर लिया है। अभी ऊपर कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें मैं डालती हूँ। ये रेड मिर्च मैंने ले ली है, ये कश्मीरी मिर्च होती है, इतनी तेज नहीं होती। इसको अच्छे तरीके से मैंने धोया है, धो के अब इसका मैं पेस्ट बना लूंगी या कुटी कुटी कर लूंगी। अभी चलती हूँ गैस की तरफ। तो ये मैं डालती हूँ इसमें इमली, ये पानी डालती हूँ। अब इसमें मैंने पानी डाला, ये पानी कम से कम ये वाले 2 गिलास मैंने पानी के डाले हैं इसमें, और अच्छे तरीके से ये पकेगी। ये माशाल्लाह बहुत मजे की पक रही है। अभी देखें ये गुठलियाँ छोटी हो रही हैं। अभी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला सवाए पानी के। तो ये भी चटनी बहुत ही मजे की होती है और बहुत ही पसंद की जाती है। रमजान शरीफ में माशाल्लाह इबादत करनी भी होती है, तो टाइम नहीं होता बंदे के पास इतने लंबे चौड़े ये काम करे। ये चटपट निकाली और पेश करे दस्तखान पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत मजे की खट्टी मीठी रेड चटनी, इमली वाली चटनी। अभी मैं इसमें डालती हूँ काला नमक चम्मच भर के, इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, जायका आएगा। ये कुटी कुटी मिर्च जो मैं कह रही थी, तरला मिर्च, ये एक चुटकी जो है, एक चुटकी ओरेगानो, इसमें ओरेगानो का बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा, कुटा हुआ नहीं भुना हुआ। ये चाट मसाला, ये दूसरा आम नमक। अभी इसकी खुशबुएं आएंगी माशाल्लाह मजे मजे की। ये चाट में भी डाल सकते हैं, ये तो चाट में भी डलेगी। चाट तो हर घर में बनती है, फ्रूट चाट हो या चना चाट हो, तो ये फ्रूट चाट में भी डलती है इमली वाली चटनी, और दही भल्लों में भी डलती है माशाल्लाह। अभी चेक करें इसकी खुशबुएं, बहुत मजे की खुशबुएं आ रही हैं। ये मेरे पास गुड़ है, गुड़ की 1 डली इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये 1.5 टिकिया गुड़ की मैंने इसमें डाली है, तो खट्टी मीठी बनेगी। चीनी भी डाल सकते हैं आप, गुड़ ना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर गुड़ हो तो फिर तो बेस्ट। तो ये गुड़ भी पिघल रहा है। ये मेरे पास 4 खजूरें थी, 4 खजूरें थी इसकी, मैंने गुठली निकाल ली है, तो ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये भी इसमें पकेगी, इसका भी टेस्ट जायका बहुत मजे का खट्टी मीठी चटनी में आएगा, और इंसान के फायदा भी है, खाने का फायदा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इसकी तारीफ करूं। अभी मैंने चखा इसको, क्या बात है। और इसका थिक देखें, इसकी थिक देखें, गाढ़ापन देखें, और माशाल्लाह बहुत ही मजे की है। अभी इसको उतारने लगी हूँ, आधा घंटा हो गया पकते पकते। अभी ये प्लांट मैंने ले ली है, इसको मैं सारी को छान लेती हूँ अच्छे तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका सारा अच्छे तरीके से पल निकल आएगा और गुठलियाँ अलग से हो जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के इसका अच्छे तरीके से पल निकालूंगी, गुठलियां बिल्कुल खाली करके छोड़नी है। ये अभी गर्म भी है, इसको मैश कर करके तो मैंने निकालना है पल को, सारा मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें ये सारा पल मैंने निकाल लिया है। अभी दोबारा इसी कढ़ाई में मैंने इनको डाला है, इसको थोड़ा सा मैश करके, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर जार में 1 सेकेंड चला के निकाल लेती हूँ।
तो ये सारा पान मैंने माशाल्लाह ये छान लिया है और बहुत मजे की निकली है। ये देखें, ये सका पाल जो गुठलियां वगैरह होती हैं ये मैंने सारी अलग से कर ली है। अभी इसकी थिकनेस चेक करें, मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, माशाल्लाह ये सिर्फ पकती रही है इतनी देर में। ये देखें इसकी थिकनेस, तो ये थोड़ा सा और पकेगी। इसकी अपनी थिकनेस से माशाल्लाह ये चेक करें और क्या ही खुशबुएं आ रही हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये देखें इसकी थिकनेस, तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी होएगी फिर, इसको बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होएगी माशाल्लाह। इसके अंदर गुड़ डला हुआ है और खट्टी मीठी बहुत मज़े की किचन से ऐसी ऐसी खुशबुएँ आ रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शुक्रिया बहुत बहुत। ये देखें इसको मैंने छान के अच्छी तरीके से, मिर्चों के बीज वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसकी रिमूव कर दी है। ये देखें माशाल्लाह, अब इसकी थिकनेस जैसे जैसे पक रही है और थिकनेस बढ़ रही है। तो अभी मैं इसका चूल्हा करने लगी हूँ बंद, जैसे ये ठंडी होएगी ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें इसकी थिकनेस अभी, ये देखें ये चाट में डालें, दही बड़ों में डालें, समोसे पकोड़े कचौरी में डालें माशाल्लाह। वैसे भी तो ये खाई जाती है, बहुत बहुत शौक से खाई जाती है। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, तो माशाल्लाह ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ठंडी इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ठंडी ठंडी हो गई है और बहुत ही थिक हो गई। मैंने बताया था ना ये माशाल्लाह बहुत थिक होएगी, तो ऐसी बहुत थिक हो चुकी है। अभी ये मेरे पास ये बोतल है कांच की साफ सुथरी खुशक, अभी इसमें मैं डालती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत मज़े की है। ये रमज़ान शरीफ में चाट के काम आएगी, दही भल्ले बनाए, समोसे बनाए, कचौरी बनाए माशाल्लाह। ये देखें ऐसे खुशक जार में डाल दें, ऊपर से ऐसे बंद कर दें, ये महफूज रहेगी। और इसको भी मैं डालती हूँ, ये ज़ाया ना करें बिल्कुल भी माशाल्लाह। ये देखें कैसी मज़े मज़े की बनी है और बहुत ही, ये देखें ना बहुत थिक है ये। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखना, अगली नई नई वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।